नमस्कार। चाणक्य की ये बातें आपकी सोई हुई आत्मा को जगा देगी। चाणक्य के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, महान विद्वान हुए जिनके विचार आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने पहले के समय में थे। आज भी बड़े बड़े मैनेजमेंट के लोग चाणक्य की बातों को फॉलो करते हैं, चाणक्य के बताए गए सिद्धांतों पर चलते हैं। क्यों? क्योंकि चाणक्य ने बहुत ही अच्छे सिद्धांत बताए जीवन जीने के लिए। तो चाणक्य की कुछ ऐसी बातें क्या हैं जो आपकी सोई हुई आत्मा को जगा सकती है, आपके विचारों को जगा सकती है, आपके अंदर से मन को जगा कर आपको लक्ष्य के लिए प्रेरित कर सकती है। आखिर चाणक्य की वो बातें क्या हैं जो हम सबको जाननी चाहिए? नंबर वन, चाणक्य कहते हैं कि लक्ष्य को लेकर हमेशा क्लियर रहे। आप शुरू से कोई लक्ष्य लेते हो ना कि अपने जीवन का मुझे अपना लक्ष्य तय करना है, तो अपने लक्ष्य को लेकर क्लियर रहें। आपने लक्ष्य लिया है, आपने कोई टारगेट लिया है, तो बीच में बहुत सारी मुश्किलें आएगी, बहुत सारी बाधाएं आएगी। आप कोई लकी नहीं हो, आप कोई सुपर पावर नहीं हो जो आपने कोई लक्ष्य लिया हो लक्ष्य तुरंत अचीव कर लोगे। लक्ष्य अगर आपने डिसाइड किया है ना, तो मान के चलना के रास्ते में हजारों बाधाएं आएंगी, लेकिन आपको अपने लक्ष्य को लेकर क्लियर रहना है। बाधाओं को देखकर, कठिनाइयों को देखकर अपने लक्ष्य को छोड़ना मत। रास्ता बदल लेना लेकिन लक्ष्य मत बदलना। आप दूसरा लक्ष्य लोगे उसमें भी बाधाएं आएगी, उसमें भी कठिनाइयां आएगी। आप तीसरा लक्ष्य लोगे उसमें भी बाधाएं आएगी, उसमें ही कठिनाइयां आएगी। ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसमें आपको बाधाएं नहीं मिलेगी, जिसमें आपको कठिनाइयां नहीं मिलेगी? ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। तो चाणक्य कहते हैं कि अपने लक्ष्य को लेकर क्लियर रहे कि मुझे लक्ष्य पाना है तो पाना है, चाहे हजारों मुश्किलें आए, लेकिन मैं अपना लक्ष्य पा लूंगा। सेकंड, अपनी क्षमता के अनुसार लक्ष्य डिसाइड करें, अपनी एबिलिटी के अनुसार अपना लक्ष्य डिसाइड करें। चाणक्य कहते हैं कि अपनी क्षमता को जरूर देखना कि क्या कोई मैं लक्ष्य ले रहा हूं तो क्या कोई मैं वो लक्ष्य पा सकता हूं, उस लक्ष्य को पाने के लिए मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर क्षमता है। अगर आपके अंदर नहीं है तो वो लक्ष्य मत लेना। लक्ष्य उतना ही लेना जितना आप पूरा कर सको, जितना आपके अंदर क्षमता हो, वरना आपने लक्ष्य तो ले लिया बहुत बड़ा और आपके अंदर क्षमता भी नहीं है, आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप अपना लक्ष्य कैसे पाओगे? आप अपना लक्ष्य छोड़ दोगे रास्ते में। क्यों? क्योंकि आपके अंदर तो क्षमता भी नहीं है अपने लक्ष्य से लड़ने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो आप अपना लक्ष्य कैसे पाओगे? थर्ड, अपने लक्ष्य के लिए संयम और धैर्य रखना। ध्यान रखना, कोई भी लक्ष्य रातों रात नहीं पाया जा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी लक्ष्य को नॉर्मल अचीव करने के लिए कम से कम आपको 10 साल लगते हैं। 10 साल, आप 1 साल, 2 साल, 3 साल में आप अपना लक्ष्य नहीं पा सकते हो। उसके लिए आपको संयम रखना होगा, उसके लिए आपको धैर्य रखना होगा और धीरज के साथ में काम करते रहना होगा। आप रातों रात अमीर नहीं बन सकते, आप रातों रात स्टार नहीं बन सकते, आप रातों रात फेमस नहीं बन सकते। उसके लिए आपको रात दिन एक करना होगा और उसके लिए आपको वर्षों की मेहनत करनी होगी, तभी आप अपना लक्ष्य पा पाओगे। तो संयम और धैर्य जरूर रखना। फोर्थ, चाणक्य कहते हैं कि अपनी दिनचर्या अच्छे रखना, अपना डेली रूटीन अच्छा रखना। तय पर सोना, तय समय पर उठना, तय समय पर अपना काम करना और थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना। चाणक्य कहते हैं कि आपने कोई लक्ष्य डिसाइड किया है तो उसके लिए आपका डेली रूटीन बहुत ही व्यवस्थित होना चाहिए। ये नहीं कि आप दोस्तों के साथ भाई बैठे हो, टाइम पास कर रहे हो, सुबह उठने का आपका टाइम फिक्स नहीं है, रात को आपका सोने का टाइम फिक्स नहीं है, आपको इंजॉय करना है और आपको अपने लक्ष्य के लिए ध्यान नहीं देना है। ऐसा मत करना, अपनी दिनचर्या सेट करना, अपना डेली रूटीन सेट करना। अगर आपको अपना लक्ष्य पाना है तो अगर आपकी जीवन शैली, अगर आपकी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब रही ना, तो आप अपना लक्ष्य कभी नहीं पा पाओगे।
फिर चाणक्य कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ में रहना, हमेशा ज्ञानी लोगों के साथ में रहना, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना, नेगेटिव लोगों के साथ मत रहना। नेगेटिव लोगों के साथ में रहोगे ना तो आपका माइंड भी नेगेटिव हो जाएगा, ज्ञानी लोगों के साथ में रहोगे ना तो आपका माइंड भी ज्ञान से बढ़ जाएगा और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आप अपने लक्ष्य के लिए दुगनी मेहनत कर पाओगे। अगर आप सकारात्मक लोगों के साथ में रहोगे, आप ज्ञानी लोगों के साथ में रहोगे तो सेक्स। चाणक्य कहते हैं कि रोज पढ़ते रहना और रोज कुछ नया सीखते रहना। चाणक्य कहते कि इंसान चाहे 20 का हो या 60 का हो, वो तुरंत बुढ़ा हो जाता है जब वो नया सीखना बंद कर देता है, वो कुछ पढ़ना बंद कर देता है। आप इस दुनिया में आए तो हर पल ये दुनिया बदल रही है, तो आप भी तो दुनिया के साथ बदलिए, आप भी तो अपना नॉलेज अपडेट करिए, आप भी तो रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। अगर आप रोज कुछ न कुछ नया नहीं सीखोगे ना तो आप इस दुनिया से पीछे रह जाओगे। 7 एंड लास्ट, अपने व्यवहार में विनम्रता रखना और अच्छा बोलना। चाणक्य कहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट जब ही आएगा जब आपके व्यवहार में विनम्रता होगी, आप लोगों के सामने झुकोगे। अहंकार और अगर आप अहंकार में रहे ना, लोगों के सामने नहीं झुके ना, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने व्यवहार में विनम्रता लाना और अच्छा बोलना। कहते हैं ना कि लोग अच्छे बोलकर सामने वाले लोगों को अपने वश में कर लेते। कैसे? उनकी बोली से। अपनी बोली में तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग मत करना, कभी गाली का प्रयोग मत करना, हमेशा अच्छा बोलना। यही अच्छा बोलना एक दिन आपको लोगों के बीच में लोकप्रिय बना सकता है। तो चाणक्य के कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी सोई हुई आत्मा को जगा सकती है और आपको मोटिवेट कर सकती है कुछ करने के लिए लाइफ में।